सत श्री अकाल, सलाम आदाब, मैं हूँ सिमरन हंस और आप देख रहे हैं बूगल बॉलीवुड। तो अगर हम बात करें रिसेंटली रिलीज हुई तीन मूवीज की, जी हाँ, कल फ्राइडे था तो फ्राइडे को तीन मूवीज रिलीज हुई हैं, पल पल दिल के पास, द जोया फैक्टर और संजय दत्त की प्रस्थानम। अगर हम इन तीनों मूवीज की बात करें तो इनमें जो दो मूवीज हैं वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्टार हैं जिनकी ये मूवीज। जोया फैक्टर की बात करें तो जोया फैक्टर सोनम कपूर और दुलकर सलमान की मूवी है। वहीं अगर हम इन दोनों की बात करें तो पहली बार इनकी केमिस्ट्री हमें ऑन स्क्रीन देखने को मिली है। कॉमेडी फिल्म है और द जोया फैक्टर नॉवल पर बेस्ड है इसकी स्टोरी। वहीं अगर हम प्रस्थानम फिल्म की बात करें तो प्रस्थानम फिल्म तेलुगु की प्रस्थानम फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है। और अगर हम इस फिल्म की बात करें तो ये एक पॉलिटिकल बेस्ड फिल्म है जिसमें हमें संजय दत्त नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पलपल दिल के पास मूवी की तो पलपल दिल के पास जो मूवी है उसके जरिए सनी देओल के बेटे यानी करण देओल ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया है। वहीं उनके साथ साथ सहर बम्बा ने भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू इसी फिल्म के जरिए किया है। लेकिन अगर हम बात करें तीनों फिल्मों की, जब तीनों फिल्मों का आपस में क्लैश हुआ बॉक्स ऑफिस पर, तो ये जो दो एस्टेब्लिश स्टार्स की मूवी है उनको पछाड़कर पलपल दिल के पास जो मूवी है उसने ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की है। अगर हम boxofficeindia.com की माने तो पलपल दिल के पास ने 1 करोड़ से 1.10 करोड़ की कमाई की है। और अगर हम बात करें तो जोया फैक्टर और प्रस्थानम फिल्म की, इन्होंने 80-85 लाख की कमाई की है अपने पहले दिन में। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो दो मूवीज एस्टेब्लिश स्टार्स की हैं, ऑलरेडी जो लोग स्टार हैं, जो उनकी मूवीज हैं, उससे ज्यादा कमाई की है जिन्होंने डेब्यू किया है उनकी फिल्म में। यानी हम ये मान सकते हैं कि सनी देओल ने जैसा जादू दिखाया था बॉक्स ऑफिस पर, आने वाले समय में उनके बेटे करण देओल भी ऐसा ही जादू दिखाएंगे। बिकॉज उन्होंने जब डेब्यू किया है तब भी उनकी मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी डायरेक्शन की तो पलपल दिल के पास को डायरेक्शन सनी देओल ने दी है। वहीं अगर हम बात करें इन फिल्मों के अलावा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो ड्रीम गर्ल जो है आयुष्मान खुराना की अभी भी सबसे ज्यादा कलेक्शन कर रही है, 4 करोड़ से भी ऊपर की कमाई की है कल ड्रीम गर्ल ने, इन्हीं तीन फिल्मों के लगने के बावजूद भी। वेल, आपको इन सब में से कौन सी मूवी अच्छी लगी है और उन तीनों मूवीज में से आपने कौन सी देखी है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बूगल बॉलीवुड।